कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके की लैंडमार्क सिटी में एक हॉस्टल बिल्डिंग से छात्रा ने कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले में जांच की जा रही है। मामले में जानकारी देते हुए सीआई ने बताया कि मृतका माधेपुरा बिहार की रहने वाली थी, जो कि एक साल से कोटा में रहकर निजी संस्थान में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रही थी और पिछले दिन ही छात्रा के पिता उसे वापस घर ले जाने के लिए कोटा आए थे। इस बीच पिता पुत्री के बीच घर जाने को लेकर मन मुटाव हो गया। जांच में ये भी सामने आया कि छात्रा के पिता उसकी किताबें भी साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया और वापस यहीं पर आकर पढ़ाई करने की बात कही। इस पर पिता ने कहा कि हॉस्टल का किराया ज्यादा है और किताबें यहीं रखी रहेंगी तो किराया बढ़ता जाएगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच मन मुटाव हो गया, जिसके बाद छात्रा हॉस्टल की 6वीं मंजिल पर चली गई और वहां की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। इस घटना के बाद छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। एक छात्रा है, करीब साल भर से यहाँ हॉस्टल में रह करके और मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिताजी उसको लेने के लिए कल शाम को आए थे। आज सुबह ले जाने वाले थे, सामान पैक कर रहे थे, तो पिता के और बेटी के आपस में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया। उससे वो नाराज़ हो गई, नाराज़ होकर के और ऊपर की मंजिल 6 मंजिल पर चढ़ के बालकनी से कूद कर और उसने आत्महत्या कर ली। नॉट आउट कुछ नहीं मिला है, अकस्मात घटना हुई है। उसके आधार पर हम कार्रवाई करके और जाँच कर रहे हैं। अभी मेडिकल की तैयारी कर रही थी, साल भर से पढ़ाई कर रही थी और अब ये क्योंकि ये कोचिंग 11वीं तक की कक्षाएं बंद हो गई है तो उसके पिताजी इस चक्कर में उसको लेने के लिए आए थे। वहीं मामले में पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।